देश भर के साथ शिवनगरी आगरा में शिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रावली महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में पवित्र शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए पहुंची। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जैसा कि शिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी श्रद्धालु भक्ति भाव में नजर आ रहे हैं, तो आप यहां देख सकते हो कि कितने श्रद्धालु यहां पे मौजूद हैं जो भगवान शिव के लिए कांवड़ लेकर यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हो कि सभी के चेहरे कैसे खिले हुए नजर आ रहे हैं और सभी लोग बस भक्ति भाव में यहां पर लीन हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ कांवड़ लेकर शिव मंदिर के पास आए हैं और इनके भाव जो हैं आप इनके चेहरे से साफ देख सकते हो, कितने भक्ति भाव से ये उत्साहित हैं। तो आइए इन लोगों से जानते हैं कि यहाँ कांवड़ लेकर आए हैं तो उनको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खुशी हो रही है, इतनी अच्छी खुशी हो कि मुझे पहले कभी नहीं हुई। बम बम बोले हर हर महादेव। ये बालूगंज से आई है, बालूगंज से। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी खुशी हो रही है। तो आप देख सकते हो कि पूरा मंदिर प्रांगण बम बम भोले के जयकारों से गुंजमान है। यहाँ पर हर एक भक्त बस उत्साह और भक्ति भाव में आपको लीन नजर आ रहा है। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी संख्या में यहाँ पे शिव भक्त मौजूद है। तो आइए और भी लोगों से उनके मनोभाव जानते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको इस बार? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरी बार है ये कांवर हमारी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा मंदिर है रावली मंदिर, उसमें बहुत अच्छी पूजा पाठ हो रही है। सवेरे 2 बजे से पूजा हो रही है, दर्शन अभिलाषी हो रही है। अभिषेक हुआ था सवेरे 4 बजे, आरती हुई थी। बहुत अच्छा मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा दर्शन कराया जा रहा है। तो आप सभी देख सकते हो कि सुबह 4 बजे से लेकर यहाँ पे भक्तों की कतार जो है वो लगी हुई है और भक्तों का जो सैलाब है मंदिर में उमड़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूं कि शाम को यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन होगा, साथ ही साथ 5 आरतियाँ यहाँ इस मंदिर में होने वाली है और इसके साथ साथ यहाँ शाम को जागरण का भी आयोजन होगा। जागरण के समापन पर यहाँ पर प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। अब हम रावली महादेव मंदिर के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर पूरी तरीके से फूलों से सजा दिया गया है। आप देख सकते हो कि फूलों से पूरा मंदिर कितने भव्यता के साथ फूलों से सजा हुआ है और साथ ही साथ देख सकते हो कि जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनका सैलाब जो है कितना इस मंदिर में पहुँच रहा है। कतारबद्ध होकर सभी भक्त बस बढ़ते जा रहे हैं आगे और सिर्फ उनके मन में एक ही आश है कि कब वो अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करें। आपको बता दें कि पूरा आगरा, पूरी ताज नगरी शिव नगरी बन चुकी है और शिव नगरी में जगह जगह पर भंडारे किए जा रहे हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जितने भी आगरा के अंदर मंदिर मौजूद है वो सभी बम बम भोले के जयकारों से गूंजायमान है और घंटे घड़ालियों से पूरे जो मंदिर है वो गूंज रहे हैं। आइए हम अंदर चलेंगे। मंदिर के जो महंत है, जो पुजारी है, मेन पुजारी, वरिष्ठ पुजारी जो है, आइए उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर के बारे में वो कब से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और कब से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मंदिर में आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? ये हम लोगों की 5वीं पीढ़ी है जी। बाबा के दरबार में सेवा करते हुए और 5वीं पीढ़ी के बाद में हमारे पहले बाबा थे, उसके बाद में अब हम हैं, हमारे पिता ही थे। कम से कम 5वीं पीढ़ी के अंदर है, कितना हो गया लगा लो आप लोग इतने, उसके हिसाब से आज बाबा की हर साल की सेवा चली आ रही है। शिवरात्रि पर्व में आता है, बाबा की शादी ब्याह का आज का महोत्सव है, तो आज बाबा की भव्य आरतियाँ 5, रात को ऑर्केस्ट्रा पार्टी वगैरह और बाबा का जागरण, भंडारा एवं और बाबा की सब तरीके की व्यवस्था चल रही है। जैसा कि आगरा का ये रावली मंदिर है बहुत प्राचीन है और इसकी मान्यता भी बहुत है, तो आपको सौभाग्य ये जो मिला हुआ है उसको लेकर आप क्या कहोगे? ये तो बाबा का गोपगिफ्ट मिला हुआ हम लोगों के, रावली महादेव बाबा की इतनी प्रसिद्ध मंदिर है कि कुछ जो भी श्रद्धालु आते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये तो हमारा सद्भाव है कि बाबा इतने साल से हमारी सेवा ले रहे हैं और इससे बड़ा क्या महत्व हो सकता है। तो हर साल यहाँ पे शिवरात्रि का ये पर्व, ये अवसर जो मिलता है सबको, तो कैसे व्यवस्थाओं को आप संभालते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं आप? ये तो बाबा ही संभालवाते हैं, बाबा ही कराते हैं। सुबह से रात के 1:30 बजे से चल रहा है प्रोग्राम और अभी तक चलता ही रहेगा, कल रात पर भी, आज रात के भी चलेगा। पूरी रात जागरण होगा, बाबा की आरती वगैरह है और जो श्रद्धालु आते हैं सब बाबा की श्रद्धा से, पूरे 60 साल की भाती इस साल भी बाबा का भव्य से ही मनाया जा रहा है शिवरात्रि पर्व बाबा का। और
बाबा का मनाते ही चले जाएंगे, अब तो बाबा का आशीर्वाद रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि इस मंदिर के महंत ने बताया कि जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान शिव की कृपा से हो रहा है और यहाँ पे जागरण भी कराया जाएगा और भंडारे का आयोजन भी होगा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।